चार गोश्त देख लें, हमारा तकरीबन रेडी हो ही गया। अच्छा लग रहा है। हाँ बस ऐसे बस काट ली, इसके बाद इसको वो जो इसके बाद जब लाइट ब्राउन होता है निकाल लें। और शायद कुट्टी भी, कुट्टी भी लाल मिर्च थी ना? हाँ कुट्टी भी लाल मिर्च है। एक चम्मच डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैं ये मसाला डाल दूंगी। ये हमें थोड़ा सा तीखा ही पसंद है, ये मसाला पूरा ही डाल देती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो जी आज अभी हम लोग सो कर उठे थे, शाम का टाइम है, हम लोग फ्रेश वगैरह हुए और फिर हम लोगों ने सोचा है, मैंने नहीं, हस्बैंड ने कुछ सोचा है, क्योंकि वो कुछ फेसबुक पे अपना टिकटॉक पे कोई रेसिपी देख रहे थे, उनको वो रेसिपी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कहा चलो आज स्नैक्स के तौर पे यही बनाते हैं शाम में। तो मैंने उनसे कहा है, मैंने कहा ये आप ही ने बनाना है, तो चलिए देखते हैं हस्बैंड की फरमाइश पे आज क्या बन रहा है, क्या उन्होंने रेसिपी देखी है और क्या स्नैक्स है, तो चलिए देखते हैं। तो जी जो रेसिपी है इनकी, उसके लिहाज से ये सामान लेकर आए हैं। आलू चाहिए हमें इसके लिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए, हमारे पास नहीं थे तो ये अभी परचेज करके लेकर आए हैं, और अंडे और मसाले जो है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, और फिर उसके बाद साथ साथ मैं करूँगी डिनर की तैयारी भी, तो डिनर भी अभी बना लूँगी, फिर मसला होता है तो ये स्नैक्स वगैरह रेडी करने के बाद साथ साथ मैं अपना डिनर का भी कर लूँगी। तो चलें फिर वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि मास्टर शेफ़ कर के आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो किचन में आए हैं। क्या बना रहे हैं मुझे आज एक बताएं। ये ना आलू का स्नैक्स है जी, ये मतलब ये बच्चे भी शौक से खाते हैं, बच्चे जो बाद में आते हैं, हम खुद मुझे खुद बहुत पसंद है आलू। आलू और आलू, आलू के चिप्स तो हम छोड़ते ही नहीं है, तो ये बच्चे भी शौक से खाते हैं, सब खा सकते हैं। ये आलू में से छील नहीं रहे, इसको बस छील के ना सब कुछ मैंने ही करना है, आगे वाला प्रोसेस पूरा मैं करूंगा। हाँ सही है, ये तो बस आपकी सिर्फ बातें ही हैं। नहीं नहीं पक्का वाला, यार नीचे गंद नहीं करें, ये मैं करूंगा बस, ये तो ना काट दे। चले मैं आपको कट करके देती हूँ। गोल यार जैसे वो चिप्स नहीं बनाते, चिप्स होते हैं जैसे, मतलब वो गोल वाले ना, हाँ जैसे पकौड़ों में भी होते हैं। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद? हाँ बस ऐसे बस काट ली, इसके बाद उसको वो जो सर्कल शेप होती है ना, पकौड़े वाले होते हैं ना, पकौड़े की तरह जो दुकानों पे चिप्स मिलते हैं ना बेसन वाले, वो करना है बस, स्लाइस। हाँ उसके बाद मैं फिर खुद करूंगा सारा जो प्रोसेस है। आगे क्या करना है आपने? देखा कहाँ है आपने? मैं बता रही थी, ये मैंने टिकटॉक पे ऐसे यूज कर था तो अच्छा लगा मेरे को, मैंने सोचा ट्राई आज करते हैं, फ्राइज और दूध मैंने बनाना है आज डिनर में, अचार गोश्त। आलू को छिलके पील ऑफ करने के बाद इस तरह स्लाइस काटने, मतलब आप कह रहे हैं ना स्लाइस थोड़े मोटे रखने, ज्यादा मोटे भी ना हो बस। हाँ तो आप खुद ही तो कह रहे हैं बॉईल करने है। बॉईल करने हाँ। अच्छा इसके बाद इसको बॉईल करना, इसके बाद इसको बॉईल करना है 10 मिनट तक, ताकि ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो, नॉर्मल हो, ताकि टेंडर जैसे तो ऐसे वो हो जाते हैं, वो हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है पानी रख दो, फिर पानी में रखता हूँ, ये अच्छी गंदी है, इसको धो लूं, इस तरह ये बॉईल करने के लिए रख देना 10 मिनट तक, सही है 10। डिनर की भी तैयारी साथ साथ चल रही है, सुबह हमने इलाजा के स्कूल भी जाना है, क्योंकि इलाजा के स्कूल में ना वो ओपन हाउस है, तो उन्होंने इनवाइट किया सारे पेरेंट्स को कि आपने अपने बच्चों के साथ ज़रूर अटेंड करना ओपन हाउस, वहाँ भी जाना है हमने, इसलिए सोचा कि डिनर अभी रेडी कर लें। क्या हुआ आप जाओ रूम में, मुंह में नहीं डालते, बुरी बात है। चल जाओ जी, बोलो जी, बोलो बोलो, आपने क्या कहना बताओ मुझे, हो गए यार 10 मिनट तो हो गए, अब ना ऐसे छुरी मार के चेक कर लेना, ताकि देखो आलू अपने थोड़े अंदर से सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट हो गए, तो बस अब इसको चूल्हे पर उतार देना। ठीक है स्टैंडर्ड दूँ? स्टैंडर्ड ना दे दूँगी, स्टैंडर्ड में आराम से हो जाएंगे, या इस पे ले लें ताकि वो ड्राई भी हो जाएंगे। ये लीजिए
तो इसके बाद अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठीक है ठीक है, अब जब तक इसका मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है चलें, अब देखते हैं कि अब ये क्या क्या कर रहे हैं। साथ साथ मैं अपनी ये भी देखने तैयारी कर रही हूँ अपने अचार गोश्त की। और अभी क्या कर रहे हैं आप बताएं तो। यार इसका जो मिक्सचर जिसमें इसको डिप करना है वो बनाना है। अच्छा, जिसमें डिप करना है, क्या क्या है इसमें? दो अंडे लेने हैं, वो हिसाब लेना जितने आप बना रहे हो। हमारे आलू ज्यादा तो हम दो अंडे लेंगे। ठीक है ठीक है, उसके दो अंडे डाले आपने इसमें। उसके बाद हम जीरा पाउडर है, ये अपने हिसाब से कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ नहीं पसंद करते। हाँ, तो अभी तो बस थोड़ा सा डालूंगा टेस्ट के लिए। ठीक है ठीक है, आधा चमचा खाती हूँ आधा चमचा जीरा पाउडर डाल दिया। ठीक है, ये है ऑर्गेनो लीव ना? जी ऑर्गेनो से, ये भी आधा चमचा बस जायके के लिए। ठीक है ठीक है, आधा चमचा ये और शायद कुट्टी भी, कुट्टी भी लाल मिर्च थी ना? हाँ कुट्टी भी लाल मिर्च है, ये भी है। ये चमचा छोटे तो एक चमचा लूँ। ठीक है, और तो फिर हमारे आलू ज्यादा है, आपने रेड चिली फ्लेक्स कम नहीं लिए? थोड़ी सी और डाल लें। अच्छा ये नमक देख, इतना बहुत है। दिखाइए मुझे। जी डाल दीजिए नमक। और इसमें एडिशनल हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में तो नहीं डाला था ना वो चिकन पाउडर, हम लोग डाल रहे हैं। हाँ जी, तो हम लोग चिकन पाउडर डाल रहे हैं थोड़ा सा एज अ टेस्ट के लिए। एक एक चम्मच जितना हमने अपने हिसाब से जैसे हाँ जाहिर सी बात है लोग अपने हिसाब से चीजों को कर लेते हैं मैनेज। अब आप इसको बीट कर लें। पैन रेडी हो रहा है तो अभी हमने ऑयल डाल रहे हैं सब इसमें, बस इतना ऑयल होना चाहिए ताकि आराम से हाँ डीप फ्राई हो जाए। तो जी ये अभी हमने ऑयल डाला है पैन में और ये हमने बैटर रेडी कर लिया है और ये है ब्रेड क्रम्स और ये रहे हमारे आलू और अब यहाँ होंगे वो फ्राई। और साथ में मैं अपने डिनर की तैयारी भी शुरू कर दी है। चलिए बताएं आप क्या कर रहे हैं अब। अच्छा इसको ऐसे ना, पहले ये एग में जो एग का जो मिक्सचर बनाया है इसमें आलू डिप करना है। अच्छी तरह क्रम के साथ। ठीक है, आप क्रम्स ना, आप क्रम्स आपको वैसे चलें पहली दफ़ा काम कर रहे हैं लेकिन क्रम्स ना ड्राई हाथों से लगाते हैं वरना वो सारा ना अच्छा, क्रम्स अभी जुड़ जाएंगे। अच्छा जी चलो, इसके बाद जब लाइट ब्राउन हो तब निकाल देना। सही, मैंने कहा मैं आपकी हेल्प कर दूं, आपको नहीं समझ आ रहा। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा बस, लेकिन रेसिपी तो मैंने बता दी है ना। सही है, हो गए तो अभी आप इनको निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो जो फ्राई होते जा रहे हैं उनको आप बाहर निकाल रहे हैं। दिखाइए थोड़े से क्रम्स हमारे डार्क नहीं हो गए? नहीं वो ना चूल्हा का टेस्ट का शायद है जी। ये बस एक दिन है बाकी ना। यहाँ मेरी अचार गोश्त की तैयारी चल रही है। अच्छा ना हमारा डिनर भी साथ ही बन जाएगा। चले पहले आप इनको सबको निकालें। आप लोगों ने कितना टाइम है आप लोगों ने रेसिपी जरूर ट्राई करनी है घर पर, और अगर आपको अच्छी लगे तो आपने कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आपको प्लीज। मेरे हस्बैंड ने पहली दफा कोई चीज खुद ट्राई की है तो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर। अंडे वंडे सब वो बना रहे थे लेकिन ऐसी कोई मतलब मजेदार रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई की है। खैर मैंने ट्राई किया, बहुत मजे का है। और यहाँ हमने चाय भी रख ली है और यहाँ पे अचार गोश्त भी तकरीबन हमारा। अभी मैं इसमें टमाटर डालूंगी और फिर इसमें मसाला डालूंगी। ये बस ये जो बाकी जल्दी रेसिपी है तो अगर आपको भूख लगी तो बारा हाँ जी फिर कर लेंगे। मैं टीम आलू आलू और ये तो रिचर था ना। हाँ जी क्रम्स ना, और ये चलो ठीक है अभी हमारी रेडी हो रही। और ये हमारा चोर बार बार आके ये हमारे ये क्या है पोटैटो वो स्नैक्स बनाए। डैडा ने चोर आके चोरी करके चला जाता है जब तक ये टी और ये दूसरे वाले फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं अपना ये काम कर लूँगी। अब मैंने इसमें डाले हैं टमाटर, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नेशनल वालों का। बेटो मुझे दीजिएगा नेशनल वालों का अचार गोश्त जी, अंदर ही रखा वगैरह। ये मैं डालूँगी इसमें नेशनल वालों का अचार गोश्त मसाला, मुझे ना पसंद बहुत है ये। तो फिर हमारा डिनर भी रेडी हो जाएगा। एक चम्मच इसमें डाला है अदरक लहसुन, एक चम्मच डाला अभी हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैं ये
मसाला डाल दूंगी। ये हमें थोड़ा सा तीखा ही पसंद है, तो ये मसाला पूरा ही डाल देती हूँ। हो गए रेडी। ये ला लेटर। ये बस इसमें निकाल लें, इसका मैंने कवर कर दिया है इसको, तब तक ये भी रेटर हो रेडी होता है। हमारी टी भी तकरीबन रेडी हो गई है, मैं इसमें दूध डालती हूँ। ठीक है, चार गोश्त देख लें, हमारा तकरीबन रेडी हो ही गया। अच्छा लग रहा है, ये भी हमारा डिनर डिश रेडी हो गया। तो आप लोगों ने प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जाके कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बस अभी ये डाल देती हूँ, धनिया रह गया था, बस धनिया डाल दें, और चार गोश्त हमारे रेडी हो गया।